हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉनो बोधी रान्नाघर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्रिसमस का बहुत ही फेमस फ्रूट केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही लाजवाब केक बनता है जिसे कुछ स्टेप्स देखने के बाद आप आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं क्रिसमस फ्रूट केक। सबसे पहले 150 ml में हम डालेंगे एक नींबू का रस। और इसे हमें करीब 10 मिनट के लिए रख देना है। फिर अब हमें दो संतरे को छील लेना है और इसका हमें जूस निकालना है। मिक्सर जार में डाल के इसे हमें जूस निकालना है। अब हमें इसे छान लेना है जिससे कि हमें प्योर संतरे का जूस मिले। अब इस बर्तन में हमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। मैं यहाँ बादाम, मुरब्बा, काजू, किशमिश और रेड टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 1/4 कप पिसा हुआ चीनी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे। करीब इसे हमें 15 से 20 मिनट तक रखना है। 10 मिनट के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से सोक हो चुके हैं जूस में। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। यहाँ मैंने 1 कप और 1/4 कप मैदा लिया है, 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून लिया है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर इसमें बहुत अच्छा स्वाद लाएगा। और चुटकी भर नमक। अब इसको सारी चीज़ों को हमें छान लेना है। सारे चीज़ों को डालने के बाद यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर डाला है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने जो पहले से बटर मिल्क बना के रखा था उसे हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। इस बैटर को हमें फेंटना नहीं है, बस इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल हमें इसी तरीके से चाहिए। अब हम इसे बेक करेंगे। अब हम इसमें 1 से 2 बूंदे वनीला एसेंस के डालेंगे और इसे मिक्स करके केक टिन में हम इसको डाल देंगे। यहाँ मैंने केक टिन को पहले से ग्रीस करके रख लिया है ऑयल और मैदे से। अब इसमें हम इस बैटर को डालेंगे। हमारा केक का बैटर बिल्कुल तैयार है बेक होने के लिए। अब हम इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए यहाँ मैंने पहले से कढ़ाई को गर्म कर लिया है, उसमें एक स्टैंड रखा है और अब हम इस केक के बैटर को इसमें रख देंगे। अगर आप ओवन में बना रहे हो तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड में करीब 20 से 25 मिनट तक आप बेक करें। यहाँ मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे करीब 30 मिनट तक बेक करूँगी। 35 मिनट्स के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारा केक रेडी हुआ है या नहीं। फ्रेंड्स, हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। एक टूथपिक की मदद से मैं इसे चेक करके देखूँगी कि ये बिल्कुल क्लीन निकल रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल क्लीन है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद केक टिन से इसे अनमोल्ड करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में अनमोल्ड करेंगे। हल्का सा टैप करेंगे और इसे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, केक बहुत अच्छे से अनमोल्ड हो चुका है और ये काफ़ी स्पंजी भी बना है। अब मैं इसे कट करके आपको बताऊंगी। इसे अब कट करके मैं दिखा रही हूँ। कट के टाइम पे ही देखिए ये कितना ज़्यादा स्पंजी बना है। इसे घर पर आप ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वाकई में बहुत डिलीशियस केक बनता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।